आज की डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको गूगल में प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी गूगल में प्रेजेंस नहीं है, गूगल में सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट या आपकी लिस्टिंग या आपका एडवर्ड का अकाउंट का सर्च रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं तो आपको वहां से लीड नहीं मिलेगी और बिना लीड के कोई भी बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। और ऑनलाइन लीड जनरेशन सबसे बेस्ट और सबसे चीप मेथड है, सबसे सस्ता अगर कोई मार्केटिंग है वह ऑनलाइन मार्केटिंग है। ऑनलाइन मार्केटिंग करना इतना आसान और इतना सस्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि गूगल एडवर्ड कॉस्टली होता है, पर गूगल में तीन तरह के सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। एक गूगल एडवर्ड का सर्च रिजल्ट होता है, एक गूगल माई बिजनेस जो गूगल लिस्टिंग, पहले गूगल मैप्स था उसके बाद गूगल माई बिजनेस बना और आज की डेट में गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है, GMB या GBP भी इसको हम बोलते हैं। और उसके बाद होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप गूगल सर्च में दिखाई देते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में दिखाई दे, आप गूगल एडवर्ड के थ्रू दिखाई दे, आप गूगल माई बिजनेस के थ्रू दिखाई दे या फिर SEO के थ्रू आपका प्रेजेंस हो, तो उससे आपको लीड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन तीनों में भी जो सबसे इजी मेथड है वह है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग लगाना बहुत आसान है, आप खुद से अपनी लिस्टिंग लगा सकते हैं। पहले कई वीडियो हम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग वेरिफिकेशन या गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को लाइव करने के ऊपर बना चुके हैं, आप उन वीडियो को फॉलो करके अपना गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग लाइव कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद होता है SEO। SEO टाइम टेकन प्रोसेस है, वैसे सबसे अच्छा जो सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देंगे वे SEO के सर्च रिजल्ट दिखाई देंगे, क्योंकि गूगल के फर्स्ट पेज पर 10 रिजल्ट SEO के होते हैं और मैक्सिमम 3 रिजल्ट गूगल माई बिजनेस के होते हैं और 3 से 4 रिजल्ट गूगल एडवर्ड के। कभी कभी आप टॉप में और बॉटम में दोनों जगह गूगल एडवर्ड के रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसलिए आप किसी भी एक कैटेगरी में अगर आपकी प्रेजेंस दिख रही है तो आपके पास बिजनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आज ही आप गूगल माई बिजनेस पर अगर अभी तक आपका लिस्टिंग वेरीफाई नहीं हुआ तो सबसे पहले आप गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग वेरीफाई करें। उसके बाद गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में कैसे दिखाई दे, उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको कॉल्स या इंक्वायरी की कमी नहीं रहेगी। आइए अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किन किन तरीके से आप गूगल माई बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। और प्रमोशन के लिए कोई ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से यह हमारा वीडियो फॉलो करके कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं कि वेबसाइट डिजाइन कंपनी नोएडा, तो यहाँ पर कुछ सर्च रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड है। इसके बाद यहाँ पर जो ये सब दिख रहे हैं ये SEO के सर्च रिजल्ट है, और ऊपर जो सर्च रिजल्ट आपको दिख रहे हैं वे गूगल माई बिजनेस के सर्च रिजल्ट है। इसी तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं SEO कंपनी नोएडा, तो यहाँ पर भी कुछ आपको रिजल्ट आपको दिख रहे हैं। इन रिजल्ट्स के भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ तीन तरह के रिजल्ट है। एक स्पॉन्सर्ड एड जो आपको दिख रही है, ये कभी कभी टॉप में दिखाई देती है, कभी बॉटम में, कभी बॉटम और टॉप दोनों में दिखाई देती है। बीच में SEO के सर्च रिजल्ट होते हैं और उसके ऊपर गूगल माई बिजनेस के सर्च रिजल्ट होते हैं। अगर गूगल माई बिजनेस में आप अपना लिस्टिंग लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज आपको करनी होगी। एक एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखा देता हूं। एक लिस्टिंग डेमो के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। आप अपनी मेल आईडी में लॉगिन करें और यहां पर जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करें और यहां जो मेरी लिस्टिंग है मैं वह ओपन किया। अब आप सबसे पहले जो प्रोफाइल स्ट्रेंथ है वह आपकी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर कंप्लीट इन्फो करके आएगा, आपको वह इन्फो कंप्लीट करनी है। जो जो सेक्शन मिसिंग है, जिस सेक्शन में आपने अपडेट नहीं किया वह सेक्शन अपडेट करने हैं। उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग पर रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर करें। यहाँ कुछ एक्टिविटीज के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे एड फोटोज, क्वेश्चन आंसर, एड अपडेट, एडिट सर्विसेज, एडिट प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट ऐड करें, सर्विसेज ऐड करें, क्वेश्चन आंसर्स करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके कि आपको अपनी
जो लिस्टिंग है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है बिजनेस नेम। पहले बिजनेस नेम में कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड डाल देते थे, आज की डेट में वह सब प्रोफाइल सस्पेंड हो रहे हैं। धीरे धीरे जिन लिस्टिंग्स में ये सब चीज़ें यूज हुई कि आप बिजनेस नेम की जगह सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद आपकी लिस्टिंग लाइव रहती है, बट कुछ दिनों के बाद वह लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। इसलिए आप बिजनेस नेम में सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस का नेम डालें प्लस एक कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। वैसे वह कीवर्ड ऐड करना गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट मैक्सिमम प्रोफाइल पर एक कीवर्ड ऐड हो रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसके नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वह होता है कि बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी में एक प्राइमरी कैटेगरी होती है और उसके बाद 9 सेकेंडरी और उसके बाद की कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी कैटेगरी होती है वह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लिस्टिंग को रैंक कराने में। अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट करके अपने बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट रखते हैं तो वहां पर आपके मैक्सिमम चांस है कि आपकी गूगल माई बिजनेस में रैंक करेगी। सिर्फ 3 रिजल्ट जो है आपके रैंक करते हैं और ये 3 रिजल्ट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसमें डिस्टेंस, प्रोमिनेंस और रिलेवेंस। अगर आप उस एरिया में बैठकर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी लिस्टिंग की सर्च दिखाई दे। अगर आप वह प्रोमिनेंट कीवर्ड, वह एग्जैक्ट कीवर्ड डाल रहे हैं जिस कीवर्ड से रिलेटेड आपकी लिस्टिंग है तो भी आपका चांसेज है कि आपकी लिस्टिंग दिखाई देगी। तीसरा, अगर आपकी लिस्टिंग अप टू डेट है, वह सब इंफॉर्मेशन आप अपनी लिस्टिंग में अपडेट कर रहे हैं, तो ये 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट रखें। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए। ओपनिंग डेट, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में भी सेकेंडरी और उसके बाद आप एक दो नंबर ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट, शॉर्ट नेम, बिजनेस लोकेशन आप प्रॉपरली अपडेट रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिजनेस एड्रेस में भी कीवर्ड डाल देते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आप ये सब काम न करें। ओपनिंग आवर आप प्रॉपरली अपडेट रखें। हॉलीडेज का आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऐड मोर आवर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज, क्राउड प्लानिंग, ये सब चीज़ें आप यहाँ अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऐड करें। उसके बाद है रीड रिव्यूज। रीड रिव्यूज में जितने ज़्यादा रिव्यू आप अपने क्लाइंट से, अपने फ्रेंड से या अपने सर्कल में डलवा सकते हैं वह बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यूनिक रिव्यूज और लेंथी रिव्यूज मैटर करता है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंक कितनी अच्छी रहेगी सर्च रिजल्ट में। वहाँ से भी प्रायोरिटी आपको मिलेगी, वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और जो भी आपका रिव्यू आता है आप उसका प्रॉपरली रिप्लाई करें। रिप्लाई करना बहुत इजी है, यहाँ पर आप रिप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर रिप्लाई पर क्लिक करना है और उसके बाद है मैसेजेज। मैसेजेज आप ऑन कर सकते हैं। ऐड फोटोज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह के फोटोज होते हैं, फोटो, लोगो और कवर फोटो। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ये सब अपडेट करें। अभी मैं एक कवर फोटो आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। सी कवर फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको वह कवर फोटो दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कवर फोटो अब अपडेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस की आपको मंथली कितने कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेज कितने आ रहे हैं, बुकिंग कितनी आ रही है, वेबसाइट पर क्लिक कितने हो रहे हैं, ये एनालिटिक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। एडवर्टाइज पर क्लिक करके आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। एडिट प्रोडक्ट पर जाएंगे तो यहाँ आपको प्रोडक्ट ऐड करने की फैसिलिटीज दी हुई है। यहाँ ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें और यहाँ आप प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, प्राइस रेंज ये सब डालकर अपडेट करें। ऐसे ही एडिट सर्विस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी ऐड सर्विस ऐड कर सकते हैं। बुकिंग्स में आप अपने जो वेबसाइट है उसका यूआरएल डाल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पर
क्लिक करके आप यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं, इनका आंसर दे सकते हैं। सेम प्रोसीजर जैसे रिव्यू का रिप्लाई करते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर अपने जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका भी रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद अपडेट है। अपडेट में भी तीन तरह के अपडेट होते हैं, एक सिंपल पोस्ट अपडेट है, एक ऑफर है और एक इवेंट है। इनको अपडेट करना बहुत इजी है, मैं एक पोस्ट अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि Google My Business हैशटैग को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। उसके बाद नीचे दिया हुआ है ऐड ए बटन, ऑप्शनल है, आप यहाँ पर बुक, ऑर्डर, ऑनलाइन, बाई या फिर कॉल नाउ को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक इमेज ज़रूर ऐड करें, जब भी कोई वो पोस्ट आप डालते हैं तो उसमें एक इमेज ऐड करना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट करें, पोस्ट करने के बाद आप यहां पर इसको देख भी सकते हैं कि जो आपकी पोस्ट है वह यहां पर दिखाई देगी। यह पोस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यह पोस्ट दिखाई दे रही है। इसके बाद आप आस्क फॉर रिव्यू, यहाँ से आप एक रिव्यू लिंक जनरेट कर सकते हैं जो आप ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक पर भी शेयर करके Google My Business प्रोफाइल को रैंक कराने का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। और ये सब स्टेप फॉलो करके आप अपने Google My Business को रैंक करा सकते हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं तो उससे हो सकता है आप स्पैमिंग करके ट्रैफिक जनरेट कर ले, बट कुछ दिनों के बाद आपका Google My Business सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए आप बिजनेस नेम में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नेम डालें, डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड ऐड करके एक डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं और उसके बाद जो आपके रिव्यूज होते हैं उनमें भी कीवर्ड्स के थ्रू आप प्रमोशन ले सकते हैं। आप ये सब स्टेप फॉलो करें, आपकी लिस्टिंग आपके एरिया में सर्च रिजल्ट में टॉप में आएगी। अगर यह खुद से आप नहीं कर पाते तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Google My Business से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि आपका Google My Business पर अभी लिस्टिंग लाइव नहीं हुआ तो उससे रिलेटेड, या फिर Google My Business आपका सस्पेंड हो गया है उससे रिलेटेड, रिव्यूज कैसे इंक्रीज करने हैं, रिप्लाई कैसे करना है, पोस्ट कैसे बनाने हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स कैसे अपडेट करने हैं, सर्विसेज और प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं, इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।